संक्रांति जो है ये सावन का महीना जो खत्म होता है, जो भादो चालू होता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये बजे सुबह के 7:30, तो आजकल जल्दी उठना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे और जल्दी उठेंगे क्योंकि अब वीडियो अपलोडिंग पे लगानी है, कल रात को एडिटिंग कर दी थी। तो चलिए करते व्लॉग के स्टार्ट, पीछे चाय बन रही है। आज है 17 अगस्त, तो आज हमारे उत्तराखंड में एक सग्यान कहते हैं, मतलब त्योहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं घी सग्यान। मतलब आज जो बनाएंगे ना हम कुछ भी खाने का, मीठे में बनाते हैं क्योंकि त्योहार के दिन, तो उसमें घी डालेंगे, तो मतलब घी के साथ खाएंगे और घी नाक पे भी लगाया जाता है। तो बाकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, पहले अपना चाय पी लेते फिर नहा के फटाफट, उसके बाद आपको सग्यान के बारे में बताएंगे आज का क्या होता है, क्यों होता है, बाकी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। उसके पहले हमको भी स्टडी करनी पड़ेगी क्या होता है क्यों होता है। तो चलिए पहले नहा लेते हैं फटाफट। सो सुबह सुबह हमारे बर्गर भी आ चुके हैं यहाँ दिल्ली से, इनको रख लेते हैं पहले फिर नहाएंगे। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9 और आगे हम वीडियो अपलोडिंग पे लगाने, नहाना धोना बाद में ही करेंगे, मैंने पहले अपलोडिंग पे लगा लूँ, बाद में लेट हो जाऊँगा वरना। तो आज दादी आई थिंक अभी सो रखी थी, तो इस चक्कर में यहाँ आ रखा मैं सोनू भाई इनके पड़ोस में, यहाँ वाईफाई है तो यहाँ से अपलोड किया है। तो स्ट्रगल करना पड़ता है भाई अपलोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यो है ना वीडियो भी 1.5 GB, 1 GB, 2 GB ऐसे बनती है, फ़ोन का नेट तो काम आएगा नहीं इतने में, वरना कर दिया तो फिर कुछ कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए अब फटाफट नहाने जाता हूँ मैं, बहुत लेट हो गया। सर टाइम हो रहा सुबह के 9 और मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, बाकी ये देख सकते हैं अभी उठाई है और कुछ काम नहीं है, मच्छर मक्खी मारने का काम है, नीचे साइडों में स्प्रे मारे जा रहा है, काला हिट से मरते हैं मच्छर, मेरे हिसाब से कॉकरोच के लिए होता है ना। चलो जो भी है मर जाएंगे, बढ़िया ये बीमारी से बचेंगे। बाकी चलिए आप थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे घी सग्यान का त्यौहार होता है जो, उसके बारे में। तो टाइम हो गया सुबह 11 और मैं थोड़ा कहीं बाहर चले गया था, तो पापा मम्मी और पंकज ने तो खा भी लिया सग्यान, मैं लेट हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं बताता हूँ बाकी घी सग्यान के बारे में थोड़ा बहुत। पहले तो सग्यान जो भी हमने बनाया, जिस तरह सेमिया बना रखी हमने मीठी, तो ये हमने निकाल रखी है देख सकते हैं मंदिर के लिए अपने, ठीक है। तो यहाँ हमारा गोलगप्पा आ गया भाई, घर में जाया खा लियो। ओ भाई साहब नहीं, क्या खाएगा फिर, क्या बर्गर खाएगा, बर्गर पाओ पाओ खाएगा ना, हाँ देखा खीरा दे, हमारा गोलगप्पा आ गया भाई यहाँ पे, गोलगप्पे क्या खीरा खाएगा, उठाइयो पंगे, गोलगप्पे ठीक है ये, ठीक है तू कैमरा देख के तो शर्मा जा रहा हूँ, ये ठीक है ये। चलो गोलगप्पा हमारा देख लो, केला नहीं खा रहा खीरे खा रहा है, उसको पता है गर्मियों में खीरा जरूरी है केला नहीं। गोलगप्पे बाय करे बिना कहा जा रहा है बाय, ये गोलगप्पे को मिल गया खीरा। तो गोलगप्पा और उसकी मम्मी आ रखे थे सग्यान देने के लिए, घी सग्यान है आज आपको बताई जो मैंने, तो सग्यान उनने दे दी है, बाकी मैं खा लेता हूँ मेरे को भूख लग रही है, लेट हो गए बहुत। ये सग्यान है तो ये देख सकते हैं आप, हलवा दिख रहा होगा आपको, ये चंदन के उधर से आ रखा है गोलगप्पे इनके घर से, बाकी घी देख सकते हैं आप, घी लगा हुआ पूरे में। तो घी सग्यान में मतलब बेसिकली घी डाल के खाते हैं जो भी चीज खाते हैं हम। सो फाइनली हमारे पास है सग्यान देख सकते हैं, जिसमें है सेमिया, बाकी एक है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और साथ में घी अलग से रखा है मैंने, और रोटियों पे भी घी लगा रहा हूँ, वैसे घी में खाता हूँ रोटियों पे ज्यादा, पर आज घी सग्यान है इसलिए खा रहा हूँ, और इसकी स्टोरी में खाने के बाद बताऊंगा आपको क्या होता है, मतलब क्यों मनाया जाता है। सो हमारे जो है ना पहाड़ों में जो घी सग्यान होता है, सबसे पहले खाने से पहले घी लगाते हैं यहाँ पे नाक पे, इसकी भी एक वो है परंपरा, और सारी स्टोरी में आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं, पहले खा लेते हैं घी सग्यान जो भी आप देख सकते हैं। ये हमारा सग्यान, सग्यान मतलब आपको बताया था मैंने मीठा बनता है, उस दिन त्यौहार मनाया जाता है हमारे पहाड़ों में। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने खाने की। फाइनली अपना खाना हो चुका है, बाकी मेरे को एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी मिली है, दिखा दूं आपको मैं, देख सकते हैं ये जिम्मेवारी मेरी है पूरी, सब कुछ धोना है एक एक बर्तन, कोई बात नहीं धो देते हैं, मम्मी की गई हुई है ना कहीं पे तब जाके, चलो कोई नहीं करना चाहिए घर का काम कर देते हैं। सो फाइनली अपना मिशन पास रिस्पेक्टेड प्लस हो चुका है, सारा अपने बर्तन धो दिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो चलते हैं नीचे अब। सो फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ और पापा बताएंगे आपका अब घी सग्यान का है हमारा त्योहार है वो मनाने का जो होता है, मतलब रीजन क्या होता है जो पहाड़ों में क्यों मनाते हैं। घी संक्रांति जो है ये सावन का महीना जो खत्म होता है, जो भादो चालू होता है, तो पहली तारीख आती है यानी कि एक पेट जो आता है, हाँ समझ गए, मतलब भादो का पहला दिन हाँ, तो उस दिन जो है घी संक्रांति, मतलब किसान लोग जो करते हैं कि भाई हमारी फसल अगर अच्छी हो, हाँ, और उस दिन घी की संक्रांति जो है मनाते हैं, और नाक पे घी लगाना बहुत जरूरी, नाक पर वो तो मैंने वीडियो में दिखाया अभी, ठीक है ना।
उसमें कहते हैं कि भाई जो अगर इसको नहीं मतलब नहीं लगाता घी वगैरह को, हाँ, कहते हैं गनीले की उसको मतलब गिनोल बोलते हैं हमारे से, गिनोल अच्छा गनीला, हाँ फोटो में डाल दूंगा यहाँ साइड में। हाँ उसकी मतलब जो नहीं प्राप्त होती है। अच्छा तो ये हमारा घी सगयान का त्योहार है और खाने में हमारे इसमें हर चीज में घी डालते हैं ना। वो जो है बरसात के टाइम पे ये जैसे गडेरी है या कोई तुम्हारा कदुआ होता है, जुमुई, जुमुई के पत्ते हैं, इन पे पत्तों पे चिपका रहता है। हाँ वो गन्ने उसकी मैं फोटो डाल दूंगा आपको जो गनेला बता रहे हैं। बाकी घी सगयान के दिन हमारा बता रहे थे पावाई है घी, हमारा खाने में हर जगह घी घी डलता है जो भी सगयान बनता है, उसलिए खुशी के लिए घी सगयान मनाया जाता है। यही कुछ था हमारे घी सगयान मनाते हैं जो मेन हमारा जो इस टाइम में ना मतलब सावन का महीने में जो पहले वो सावन का महीना खत्म होने के बाद जो फसलों में लगती है ना बाली सी, तो उनको भी चिपकाते हैं अपने गेटों पे, जिस तरह हमने हरेला चिपकाया था पीछे वीडियो में देखा हो आपने। तो बाकी हरेला हमारे यहाँ तो खेती हम करते नहीं है, बाकी जो पहाड़ों में करते हैं वो अपनी जो पहली बाली नहीं होती जो भी जिस तरह गेहूं की हो गई जी, जो मतलब जो भी होती है अनाज की, तो उसको चिपकाते हैं मोह के साथ। बाकी हम तो यहाँ खेती करते नहीं है। बाकी हमारे चैनल का नाम प्रवासी पहाड़ी ब्लॉग है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पहाड़ को है जो रिप्रेजेंट करें मतलब जहाँ भी हैं, तो हम वीडियो के थ्रू ही आपको बता सकते हैं। तो होप आपको पसंद आती हो हमारे जो पहाड़ के बारे में बताई गई चीजें। सब टाइम हो रहा शाम के 4:30 और सोनू भाई हमारे साथ आज ड्यूटी जल्दी आ गए क्योंकि सोनू भाई और पापा बन चुके। बधाई है भाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। फिर मिठाई मुठाई कब खिला रहे हो? बस अभी शाम को लेके आ रहा हूँ। तो भाई आप जा रहे हैं मेडिकल जा रहे हैं, तो चलिए मैंने कि बता दूं आपको भी अपडेट देना जरूरी है। तो सोनू भाई की तरफ से पार्टी रह चुकी है एक, तो यही रीजन था कि आज मम्मी आपको ब्लॉग में पूरे दिन नहीं दिखी क्योंकि मम्मी मेडिकल में थी भाभी के साथ और सोनू भाई भी अभी ड्यूटी से छुट्टी लेके आया, तो चलिए बड़ी खुशी की बात है। बाकी इसलिए मैं घर का काम कर रहा था, मैंने आपको दिखाया बर्तन में धोने का, तो कभी कभी कर लेना चाहिए। तो अभी टाइम हमारा शाम के 6:30 और मैं जा रहा हूँ पापा के साथ। ओवर टाइम करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि पंकज को सब्जी बनाने की जिम्मेवारी मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे हाथ में है सब कुछ, पावर ऑफ अटोनी, खाना बनाने की बर्तन धोने की है, बस और कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए सब्जी बनाते हैं, मैं जाता हूँ पापा के साथ अब। सो आज भी देखो आते ही हमारे पास आ गया, दोनों आ गए एक साथ। इन दोनों को मैंने ब्लॉग में दिखा रखा है, यहीं पर खड़े हो गए आते ही। टाइम हो गया रात के 9:30 और घर आ चुके हैं और आज हमारे पास आएगा आइटम जो कि बुआ की राखी आ गई है वहाँ से नजफगढ़ से, तो एक राखी पहुँच चुकी है। आप तो वैसे एक बात है कि मतलब जितने भी कुरियर है ना आधे ज़्यादा राखी वाले मिलेंगे आपको, जहाँ भी देखोगे कुरियर ही कुरियर, क्योंकि मैं खुद 3-4 पड़ोस में तो मैं ही करके आ रहा हूँ कुरियर राखी। तो सोनू भाई हमारे ले आए मिठाई, बाकी देखो लेने वाले बनियान में देने वाले बनियान गर्मी का आलम इतना ज़्यादा है। गर्मी में यार तू इंसानों का तुम इंसान है तो क्या हो गया, हमने भी तो कपड़े पहने हैं। देखा होगा भी वो दुनिया कैसे ही जाए, हमको क्या मतलब दुनिया से, क्यों क्या। और ये पंखा भी इतना अच्छा घूम रहा है देखो। तो सोनू भाई मिठाई देते हुए, पापा मिठाई लेते हुए आ जाओ। चलो ये बटो बटो बटो। तो चलिए अब मिठाई खा लेते भाई, बहुत हो गया हंसी मजाक। सो यहाँ आते ही मिठाई तो पापा को दी थी, सबसे पहले मम्मी ने खा ली, हम भी खा लेते अब, मुँह मिठा लो जी आप भी कर लो। मेडिकल में खाई, मम्मी कुछ नहीं खाती ना मेडिकल में। हाँ ये हुई ना बात, तो मम्मी ने घर आके खाया, मैं ही मुँह मिठा कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। सोनू भाई की तरफ से है रसगुल्ले मिठाई भी। पर खाना खाने के लिए आए हैं और यहाँ पूरे फुल मजे हैं देखो एग्जॉस्ट के, और यहाँ कब्जी चल रहा है और चाहिए गया ना, सीधा सामने से हवा आती रहे और ना गेम चलता रहे। ये देखो ऐसे छुपके छुपके खेल रहा हूँ, अच्छा जैसे ही मरा मर गया ना। खाना ये है आज रात का जो कि है मूली के पत्ते, जो कि पापा के फेवरेट हरी सब्जी जो भी होती है। क्या कैची, कैची धाम, कैची धाम भी एक बहुत फेमस जगह है, बातों बातों में ध्यान आया, तो कभी आप गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत ही पॉपुलर जगह है। कभी मैं कोशिश करूंगा जब अल्मोड़ा साइड जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा वहाँ के बारे में। तो फाइनली खाना खा के आ गए नीचे और आज मम्मी बहुत ही ज़्यादा थक गई क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए मैं भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, फिर मैं एडिटिंग पे लग जाता हूँ। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो।